हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज एपिसोड नंबर 292। इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग डिसाइड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एडवांस में एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया कल किन लेवल्स पे आपको बाइंग करना है, सेल करना है, कल की क्या रणनीति होगी। कल है मंडे, आर यू रेडी गाइज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार लेवल्स। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं 10 दिन किंग रिसर्च को फॉलो करो, उसके बाद डिसीजन लेना किंग रिसर्च के साथ रहना है या फिर अदर यूट्यूबर्स के साथ रहना है। स्टार्ट करें, चलिए। सो गाइस, निफ्टी 200 पॉइंट डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट डांसिंग टू किंग रिसर्च पॉइंट। थर्सडे को जो आपको लेवल्स बता दिया था कि इस लेवल पे आए तो ठोकने का सोचना है, बात खत्म, पूरी दुनिया आपको बाइंग करा दी थी। मैंने आपको एडवांस पे प्यार से बोल दिया था नो बाइंग एट ऑल। एक दिन हल्का सा लोग परेशान हो गए थे थर्सडे वाले दिन, फिर भी बोला, टेलीग्राम में भी बोला, भाई ठोको, नो बाइंग एट ऑल, बाइंग करने का सोचना मतलब गुनाह है। मजा आया? पैसा बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया कोई बात नहीं, अभी भी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पैसा नहीं बना पा रहे हो, दिल से बोलता हूं दोस्तों कल की बात आज को डोंट मिस। डेली बेसिस पे पेपर पेन लेके बैठो, 10 दिन कम से कम फॉलो करो। आप ना पैसा बनाओ तो मुझे बोलना, सिर्फ कल की बात आज, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए पैसे नहीं देने। मैं आपको फ्री में एडवांस करके बता रहा हूं कहां पे आपको ठोकना है, कहां पे आपको बाइंग करना है, कहां पे आपको सेल करना है, आपकी नेक्स्ट डे की रणनीति क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हल्की सी भी आपकी फायदे हो रही है, दिल से बोलना चाहता हूं अभी के अभी लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। बनता है कि नहीं बनता है? है मार्केट में कोई ऐसा जो आपको इस तरह के कॉल्स दे दे? ओपन चैलेंज टू एवरीवन। सर होने के बाद दुनिया बोलती है, बोला था ना, हम एडवांस में प्रिडिक्ट कर देते हैं कि बॉस यही होगा, आज ही लिख के ले लो। चलिए तुक्का हो गया सर, अब देखते हैं मंडे को टेस्ट की फिर बारी है, एवरी डे इज आवर टेस्ट, तो मंडे को चेक करेंगे कि कैसा है परफॉर्मेंस। तो अब मैं आपको अपने लेवल्स बताने से पहले थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस देता हूं कि किस लेवल पे बोला था, सो दैट कल जो लेवल्स आपको मैं प्रोवाइड करूं, राइटर्स ऑप्शंस जो बाइंग करना चाहते हैं या फिर जो सेल करना चाहते हैं, जबरदस्त लेवल्स दे रहा हूं, प्लीज 10 दिन आपको मुझे फॉलो करना है, दैट्स ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। आई थिंक मेरा स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो गया होगा, हो गया, स्टार्ट करें, राइट? सो इंपॉर्टेंट क्या है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड दोस्तों, यस दिस इज नाउ परफेक्टली डन, राइट? सो इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपको याद होगा सर, हाँ मैं एक नया इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ आप लोगों के कहने पे, सो दैट आप लोगों को मैं इजीली पीपीटी दे सकूँ, इजीली चीज़ें समझा सकूँ। सर ऑल द बेस्ट कर देना पहली बार, सो आई एम गिविंग माई लेवल बेस्ट, माउस ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। चलिए, सो गाइस याद है ये वाला लेवल, क्लियर कट मेंशन किया गया था ये वाला लेवल, राइट और रॉन्ग? ये लेवल याद है आपको? एक सेकेंड सर, फॉरगिव मी दोस्तों, चलिए नहीं हो पाएगा सर, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी होगा, इसलिए बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में भी पहली बार हो तो प्रैक्टिस कर लो, समझ लो कैसे होता है, नहीं तो फेल हो गए ना, माउस ही जिंदाबाद है हमारा। चलिए इसलिए बोलता हूँ एजुकेट योर सेल्फ, सीखोगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये भी चीज़ आप चलाना सीख जाओगे, राइट? तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल भी मिल गया हमें। चलिए एनीवे, सो दोस्तों यही लेवल बोला था 17,947 का लेवल, ये लेवल है ठोको, मार्केट खुली, गैप अप खुली, देखो मार्केट ने यहाँ तक रैली दी और इसी जगह पे पिन पॉइंट जगह पे ठोका, रिजल्ट वहां से सीधे 200 पॉइंट। और लोअर लेवल पे मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ था 17,747,
17,747 का लेवल दिया हुआ था। देखो एग्जैक्ट इसी लेवल पे किस करके, इसको बोलते हैं किस करना, एग्जैक्ट इसी लेवल पे किस करा और मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक दे दिया। मजा आया कि नहीं है? टॉप भी अपना, बॉटम भी अपना, और क्लियर कट टेलीग्राम में बोला था निफ्टी बुलाती है पर जाने का नहीं। बोला था कि नहीं बोला था? कमेंट सेक्शन में मेरे को आपको बताओ कितना पैसा बनाया। नहीं बनाया ना तो भैया आप लोग की मेरे को कुट्टी कुट्टी करनी पड़ेगी सर। चलिए राइट, ये हो गया कल की बात। अब कल क्या करें सर, हो गया, खुश हो लो आप भी, हम लोग, हमने भी पैसा बना लिया, हम भी खुश हैं, लेकिन कल तो बताओ तब माने आपको। चलो देख लेते हैं। सो मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं आपको सेल सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है? तो कल करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से रखना। देखो एक ये सपोर्ट लिया, एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, ठीक है? तो मैंने इसी के बेसिस पे एक लाइन खींचा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉस अगर 17,800 का लेवल, ये जो लेवल है 17,800 का लेवल, ध्यान से समझना 17,800 का अगर ये लेवल टूटता है तो आपको सेल करने का सोचना है। टारगेट होगा आपका 17,800 पर ठोको, और आपका जो टारगेट होगा 17,800 पे आपको ठोकना है, और आपका जो टारगेट होगा, और हाँ वेट, कम से कम 15 से 20 मिनट इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है इस लेवल के नीचे 17,800 का जो ये, क्योंकि कल हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आएगा, देख लो मार्केट जरूरी नहीं कि एकदम से गिरेगा, ऐसे करके आएगा। तो 17,800 का जो लेवल है इसलिए मैंने इसको मार्क किया है कि अगर इसके नीचे 10 से 15 मिनट कम से कम होल्ड कर जाए, डेफिनेटली यू कैन थिंक फॉर द सेल 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 एंड ओनली क्या करना है, क्या करना है, एनीवन ठोकने का सोचना है, बाइंग करना है सोचना है? मेरे दोस्त ठोकने का सोचना है, और हमारा इसका जो टारगेट होगा 17,000, फिर गड़बड़, एक सेकेंड, हाँ 17,227 का फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल्स कुछ गड़बड़ आ रहे हैं सर, सुन लो 17,820 के नीचे ठोको, टारगेट होगा 17,720 का पहला टारगेट, ओके डन, और दूसरा टारगेट होगा 17 ये वाला 670 का हमारा टारगेट होगा दूसरा, डन। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं खींची है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाएगा, तो मैं 17,720 के आसपास एक लाइन आपको खींच के 720 यस ये लेवल, ठीक है? तो पहला टारगेट आपका ये होगा, सॉरी तो मैं अब इस लेवल को हटा रहा हूँ, ठीक है? और इसकी जगह पे मैं एक और लाइन आप लोग के लिए प्लॉट कर दे रहा हूँ, 800 रुपये का लेवल है ना। तो इसके नीचे सेल हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,720 का, सेकेंड टारगेट होगा 17,670 का, सेकेंड टारगेट होगा डन। लेकिन और अगर गिरावट आती है, इसके अंदर और पैनिक होता है, तो भैया मार्क कर लो, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जोन में आए तो आपको बाइंग करने का सोचना है, ठीक है? इस जोन में आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने का सोचना है, यानी कि 17,630 और 17,570 का लेवल आप नोट कर लो। इस पे आए तो बाइंग करने का सोचना है, यहां पे आए तो बाइंग करने का सोचना है। इस जोन पे आपको ओनली थिंक फॉर द बाइंग 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 बाइंग। और कल जो भी 17,802 के नीचे सेल करना चाहते हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसके पास शेयर का जिगरा है, यानी कि लॉयन हार्ट ट्रेडर जो रिस्क लेना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए मैं ये लेवल दे रहा हूं सेल का। अदरवाइज मेरे को तो मार्केट में कुछ बढ़िया दिख रहा है, दिखाऊं बढ़िया एक चीज, आओ डेली चार्ट लगाओ, एक जबरदस्त पैटर्न जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सीखो, हमारे कंप्लीट चार्ट एनालिसिस को प्रॉपर फॉलो करो, आपको देख के समझ में आएगा, 5 दिन की क्लास लो, ऑपरेटर साइकोलॉजी समझ में आएगी। गाइस देखो ध्यान से देखना सर, इसको भी लगा देता हूँ, चलो नहीं दिस इज नॉट द राइट वे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? यस दिस इज अ ब्यूटिफुल, एक हाई था दोबारा हाई बना,
और फिर तिबारा, और इसको ब्रेकआउट करके रैली निकली है। और मैं आपको क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा 17,720 के ऊपर बाइंग, 17,256 के ऊपर बाइंग, 17,256 के ऊपर बाइंग, आपको याद होगा। उसके बाद देखो मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली दी है, और जो हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे ठोकने का सोचो वहीं से मार्केट गिरी, आप वो भी रिजल्ट देख लिया, ठीक है। तो ये जो एक चैनल बन रहा था, आपने नोटिस किया, सीखने वाली बात क्या है, ये जो एक चैनल बन रहा था, इस चैनल का एक अच्छा खासा गिरावट में ब्रेकआउट हुई है। और मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है कि भैया इसके ऊपर आपको बाइंग करने का सोचना है, अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेंड कैसे बन रहा है नोटिस करो, ऐसा और ऐसा, तो एक लाइन आप इसको ऐसे खींचो, और जो ये ब्रेकआउट होता है वो जबरदस्त पावरफुल होता है। अच्छा, टॉप के लेवल पे अगर ऐसा बन रहा हो तो इसके अंदर एक लाइन खींचो, तो इसका जो ब्रेकआउट होता है वो पावरफुल होता है। सिखाया मैंने, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है उसके नीचे ठोकने का सोचो, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है उसके ऊपर बाइंग करने का सोचो। ये मंत्र पकड़ लो, मैंने आपको अपनी कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 11 बजे एक एपिसोड डालता हूँ कंप्लीट चार्ट एनालिसिस, उसमें लॉजिक्स, हिडन फैक्ट्स सब चीज़ मैं बताता हूँ। तो डोंट मिस हमारी कंप्लीट चार्ट एनालिसिस, जिसके ऊपर एक स्टॉक के ऊपर मैं पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ, और वो मल्टी बैगर स्टॉक होता है अगले दिन के लिए, फिर दो तीन दिन के लिए पावरफुल वो काम करता है, राइट। चलिए अब आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये लेवल आपको समझ में आ गया। अब ये जो 947 का लेवल है आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये तो मैं आपसे वादा करता हूँ, राइट। दो बार यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया गिरा, और सेकेंड अटेम्प्ट में भी इसी लेवल से किया है। यानी कि अगर आपको मेरा रूल याद होगा, अगर मेरा लेवल दो बार, एक से दो बार से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया है, तो मैं अब उस लेवल को फीका मान जाता हूँ, उस लेवल को मैं छोड़ देता हूँ। अब मैंने आप लोग के लिए नया लेवल तैयार किया है, जो कि हमारा लेवल है 18,000, गाइस नोट करो, 18,056 अगर इसके ऊपर जाता है और कम से कम 10 से 15 मिनट सस्टेन करता है, तो आपको इसको सोचना है ओनली थिंग फॉर द बाइंग। नोट कर लो पेपर में, बाद में नहीं बोलना है कि सर मिस हो गया, गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ठीक है। तो ये जाने के बाद जो हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,147, नोट कर लो गाइस, पहला टारगेट रहेगा आपका 18,147। सर मैं आज लिख नहीं पा रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें, एनीवे सर नोट कर लो 18,147, सेकेंड टारगेट 18,247, थर्ड टारगेट 18,270 का हमारा ये तीन टारगेट होने वाला है। अब मैं आपको फटाक से ले चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी दोस्तों आपको 38,150 का लेवल बोला गया था, इस लेवल पे आए तो ठोकने का सोचो, और अगर हल्का सा ऊपर उठता है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी हल्का सा भी झलक दिखाता है, अगर इस लेवल पे भी आया तो भी ठोको, तो भाई यहीं से आया तो अभी यहाँ पे भी ठोकने का सोच सकते थे, इस लेवल पे आते तो और ठोकने का, इमीडिएट बेसिस पे मार्केट गिर गया। और मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक प्राइवेट स्ट्रैटेजी दी हुई है, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड करी हुई है, उनके लिए मैं कुछ ऑपरेटर साइकोलॉजी के साथ एक स्ट्रैटेजी देता हूँ कि टॉप पे कैसे ठोकते हैं, बॉटम पे कैसे बाई करते हैं, वो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। तो उन लोगों को भी यहाँ पे एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे कोई चीज़ एक्टिव हुई है, ये देखो एक हाई बना है, ये दूसरा हाई बना है, आपको कुछ चीज दिख रही है, वहां से भी आप चेक कर लो 700 पॉइंट की गिरावट। अब कल क्या करें नोट कर लेना, ये लेवल्स मेरा ऑलरेडी दो बार काम करके निकल चुका है, दो बार ये कॉल्स मेरा एक्टिवेट हो चुका है, एक बार या दो बार अगर एक्टिवेट हो जाता है तो मैं दोबारा उस पर काम नहीं करता हूं। तो अगर आपको बाइंग करने का सोचना है तो 38,430 का वेट करो, 38,430 के ऊपर आपको बाइंग करने का सोचना है, बिंदास बाइंग करें, टारगेट 38,890, 39,254 का हमारा सेकेंड टारगेट होने वाला है। और अगर आपको इसको सेल करने का सोचना है तो गाइस जो कल लो बनाया है, एक बार यहाँ पहले बना चुका है और इसने कल भी यहां पे लो बना दिया है, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लो है इसको मैंने मार्क कर लिया है, 37,570 के नीचे आएगा तो आपको इसको क्या करना है,
570 के नीचे आपको ठोकने का सोचना है। पहला टारगेट 37,157 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 36,870 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। और याद रहे, ये जो जोन बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, ये जो ब्लू लाइन बनाई है, इस जोन में और इस जोन में आपको ओनली थिंग फॉर द बाइंग करने का सोचना है। इस जोन में ओनली थिंग फॉर द बाइंग विद स्टॉप लॉस 36,156 का। ये आपका SL होगा, जो कि 36,156 का आपका SL होने वाला है। डन एवरीवन, मैंने आपको बाइंग लेवल भी बता दिया, सेल लेवल भी बता दिया। तो दिस इज आवर एडवांस प्रेडिक्शन। जो राइटर्स हैं इसके नीचे आप ठोकने का सोच सकते हो, और जो बायर्स हैं आप उसके इसके ऊपर बाइंग करने का सोच सकते हो। और अगर आपको राइटिंग करनी है तो ये लेवल्स भी आपके लिए रेडी है, और ये लेवल्स भी रेडी है, ये इमीडिएट वाला, ये दोनों लेवल्स रेडी है, इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। अगर मार्केट इसमें रेंज में रही तो आप इंट्राडे में जो आप राइटर्स 1-2% में जो खुश हो जाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत है। मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, आई नो वेयर टू गो मार्केट वेयर, तो मेरे को समझना, टॉप पे मुझे ठोकना आता है, बॉटम पे मुझे बाइंग करना आता है, तो मुझे पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 99% है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं कल की बात आज उन्हीं की जुबानी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग कल की बात आज देख रहे हैं अभी, सर कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। डन, सो हमें भी ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप लोग पैसा बना रहे हो, आप लोग M2M शेयर कर रहे हो, और गाइस बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसी तरीके के लेवल्स में आप लोगों को देता रहूँगा, लेकिन एक आज मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ, स्टे ट्यून विद अस। ओके, बोनस टिप्स लेना चाहते हो आप मेरे साथ बने रहो, लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा। निफ्टी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही सेम लेवल्स मैंने वहाँ पे अपडेट किया, आप लोगों ने लिख दिया है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड एन्जॉय। और निफ्टी के सारे लेवल्स डिलीट कर देना, बैंक निफ्टी के लेवल्स डिलीट कर देना, ये जो आज लेवल्स दिए उसको मार्क कर लेना, कल उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी क्यों हिला डाला ना, 700 पॉइंट की रैली आपको इसमें दिलाई मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन। और हाँ, कितने लोग हैरी के चैरी शेयर यूज़ करते हैं, फॉलो कर रहे हो मेरे को, नहीं कर रहे हो, एडवांस टिप्स चाहिए, एडवांस में टिप्स दे देता हूँ मैं, छोड़ो उस दिन जो दिया वो तो दिया, एक दिन पहले ही एडवांस में बता देता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड गाइस? और जो स्टॉक बताऊंगा अब तक 99% की एक्यूरेसी लेवल हैरी के चैरी शेयर की है, हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। सुबह 7 बजे ये एपिसोड डाउनलोड करता हूँ मैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा शाम को 8 बजे तक लाइव आकर आपको मैं लेवल्स बता दूँ। अगर आप चाहते हो लाइव आके बताऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके बताना, #हैशटैग हैरी के चैरी शेयर इतना लिखोगे मैं समझ जाऊंगा आपका क्या आंसर है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको शाम को 8 बजे तक इसके ऊपर वीडियो बना के आपको मैं दे सकूं। डन, लाइव आकर, डन इन गाइस, लाइव आके मैं आपको ये लेवल्स अपडेट करूंगा, क्या बोलते हो? तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ #हैशटैग हैरी के चैरी शेयर। सर आप देखो 8% भागा है ये स्टॉक, 8% की रैली है, 8%। और हाँ, इंडिया सीमेंट ब्रेकआउट पे बैठा है, कल भी रॉकेट बन सकता है इंडिया सीमेंट, बी केयरफुल। चार्ट मैंने आपको बोनस टिप्स में आपको बताऊंगा, 18% के रैली इंडिया सीमेंट में है, एक लॉट में भी मेरे कहने पे ट्रेड कर लेते 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट है सर। मेरे कहने पे मत करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना भाई, ठीक है? बाकी 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट एक ही दिन एडवांस प्रेडिक्शन कर देते, उस दिन ये जैकपॉट हमें मिला है। दुनिया बोलती है सर पैसा कैसे बनेगा, यार मैं आपको पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन करके दे रहा हूँ, मैं आपको एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, स्टॉक्स की एडवांस में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, कैसे? एवरीथिंग इज पॉसिबल, सीखने का सोचो, आप भी कर सकते हो। 15 साल के बाद यहाँ पहुँचा हूँ मैं, अपना 15 साल का ज्ञान आपको 5 दिन के अंदर देना चाहता हूँ। कल रात को 9 बजे से हमारी ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली है, कितने लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? 2021 में जो गलती करी है 2022 में मत करो सर, सीख कर कदम बढ़ाओ, आप खुद खड़े होके खुद चलना सीख जाओगे, खुद से चलना सीख जाओगे, खुद से मार्केट से पैसा बनाना सीख जाओगे। आई डोंट टीच टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो बोनस टिप्स है वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, क्या बोनस टिप्स है। तो आई डोंट टीच टेक्निकल एनालिसिस, आई टीच ऑपरेटर साइकोलॉजी, सामने वाला बंदा कैसे आपको ब्लफ कर रहा है, अगर वो सीख गए स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज क्या होती है, वो सीख गए पैसा बनाओगे।
रूल बेस्ड सेटअप सीख गए तो पैसा बनाओगे। टेक्निकल एनालिसिस तो आपको भी पता है, बाजू वाले को भी पता है, और हजारों मेंटर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। सब अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख गए तो सब लोग पैसा नहीं बनाना चालू कर देंगे? सोचो, थॉट प्रोसेस सोचो। एनीवे, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कैमरेला स्टॉक सिलेक्शन जो एडवांस में टेलीग्राम में देते हैं वो भी आप फॉलो करो। इसके अलावा नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी एक्टिवेट ही नहीं हुआ मेरे दोस्त टेलीग्राम में, जो मैं आपको, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है इमीडिएट ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑप्शंस के और इक्विटी के टिप्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको 32,000 रुपये का तक का हमने प्रॉफिट कराया है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में। 9:30 AM स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1,09,000 रुपये का प्रॉफिट है। 9:20 AM स्ट्रैटेजी 1,00,000+ का प्रॉफिट है। 9:20 AM स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्विटर पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उल्टा पुल्टा पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है, उल्टा पुल्टा पार्ट टू भी एक्टिव नहीं हुआ है, तो नो ट्रेड। कल हमारी 10 तारीख से, 10 जनवरी से हमारी कल 5 दिन की ऑनलाइन क्लास है गाइस, डोंट मिस। अगर आपको भी एडवांस लेवल सीखना है, जिस तरीके से एडवांस स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ या फिर एडवांस निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्या आप भी सीखना चाहते हो, रूल बेस्ड सेटअप पे काम करना चाहते हो, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी, या फिर टॉप पे कैसे ठोको बॉटम पे कैसे बाई करते हैं, सीखना चाहते हो, कम एंड जॉइन आवर ऑनलाइन क्लास। नो ब्ला ब्ला, ओनली फॉर सीरियस ट्रेडर। जो करना चाहते हैं सर वो मत आना, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो मेरी क्लास अटेंड करना, अदरवाइज आप कोई बेनिफिट नहीं है। और टेक्निकल एनालिसिस जो आज का आज मैं आपको बोनस टिप्स देना चाहता हूँ गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस मैं सिखा रहा हूँ आजकल, सीखना चाहते हो कम एंड ज्वाइन आवर ट्विटर हैंडल किंग रिसर्च हैरी, इसको फॉलो करो। ऑलमोस्ट 46,000 मेंबर्स यहाँ फॉलो कर रहे हैं हमें, जिसमें मैं डेली बेसिस पे, कल मैंने आपको कुछ स्टॉक सिलेक्शन दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया सीमेंट दे दिया है, CMS इन्फो दे दिया है, MMP दे दिया है, चार्ट एनालिसिस करके दिया है प्रॉपर तरीके से। बस अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, चार्ट समझना है और कुछ नहीं, सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को देखकर आपको मैं स्टॉक सिलेक्शन क्यों किया, इसको रडार पे लेना है, यानी कि एडवांस पे स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसको आपको एक दिन पहले ही दे दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसको फॉलो करो, आपका पैसा बन जाएगा। रूपा, ये देखो रूपा, हमारा रूपा बेहतरीन चार्ट एनालिसिस, आप नहीं कर पा रहे हो, आओ फॉलो करो सर, ये बोनस टिप्स आपके लिए। टेक्निकल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन, सीखने का सोचो पैसा बनेगा। और हाँ, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा गाइस, कुछ लोग हमारे नाम से फेक चैनल बना के बैठे हुए हैं, कोई भी आपको रिपोर्ट करे प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो YouTube का चैनल है उसमें आपको चेकबॉक्स बना हुआ मिल जाएगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस, मैं इसलिए कह रहा हूँ पैसा आपका है, रिस्क आपका है, बाद में मत बोला सर ने बताया नहीं, मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, मैं आपको गारंटी के साथ, और ये मैंने फ्री की स्ट्रैटेजी दी हुई है, इसको देखना मत भूलना, फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बना सकते हो। सर मेरा एक ही प्लेटफॉर्म है किंग रिसर्च अकेडमी, जिसमें चेक बॉक्स वेरीफाइड का निशान लगा हुआ है, जिसमें 2,33,000 सब्सक्राइबर्स है। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्पैम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेक में किंग रिसर्च की आईडी बना के आप लोगों तक अप्रोच करेंगे, तो उनको जो भी मिले आपको इमीडिएट बेसिस पर रिपोर्ट कर देना। सिमिलरली टेलीग्राम में हो सकता है आपको अप्रोच करें, इंस्टाग्राम में हो सकता है आप अप्रोच करें, ट्विटर में हो सकता है, क्योंकि सर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है ना तो उसके पीछे दीमक चिपक जाती है ना, तो वो जो दीमक लोग हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दीमक को पास में गले से लगा के रखना है या फिर उसके ऊपर स्प्रे मारना है हिट वाला। तो स्प्रे कैसे मारेंगे, इमीडिएट बेसिस को रिपोर्ट करो, उनको स्पैम करो, यही हमारा एक वेरीफाइड चैनल है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टाग्राम का भी, दिस इज आवर वेरीफाइड चैनल, मैं आपको दिखा देता हूं गाइस, किंग रिसर्च अकेडमी, जिसमें 39,000 फॉलोअर्स हैं, करीब करीब 3,000 पोस्ट हमने डाले हैं, ये मेरा एक लौता टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल है, आप सब लोग प्लीज़ इसको स्ट्रिक्ट करें। इसके अलावा भी बहुत सारे फेक आपको मिल जाएंगे, उनको आप स्पैम करो इमीडिएट बेसिस पे, और वो आपके पास बोलेंगे 10 तरीके की चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगे, भाई पैसा लेके भाग जाएंगे, गलत गलत चीज़ें दे देंगे, फिर आप बोलोगे सर गलत जगह फंस गए। और हमेशा याद रखना, गलत लोगों के संगति में रहोगे तो गलत ही मिलेगा लाइफ में, मार्क दिस स्टेटमेंट। तो आपकी जिम्मेदारी है रिपोर्ट करो, सो दैट जो इनोसेंट लोग हैं वो लोग उनके चुंगल में फंस ना सके। डन, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और हाँ कल मिलता हूँ 9:15 पे लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे, ब्रेकफास्ट के साथ साथ आप लोगों को भी ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश करूँगा, कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इमीडिएट बेसिस पे। जय हिंद।